आप देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हम सफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। दोस्तों सप्रेम जय भीम। हम हैं एडवोकेट सुधीरेश ताइडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का ब्लू टाइगर न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज सच लेकिन कड़वी बात इस सेगमेंट में हम हैदराबाद तेलंगाना में पुलिस द्वारा जो बलात्कार कांड के 4 आरोपियों का सुबह 6 दिसंबर 2019 को एनकाउंटर किया गया है, इस विषय पर हम आज सच लेकिन कड़वी बात में चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे पास प्रमुख रूप से 3 सवाल है। पहला सवाल है, तेलंगाना के हैदराबाद में साइबराबाद पुलिस द्वारा, शस्त्रधारी पुलिस द्वारा बलात्कार कांड के 4 आरोपियों का सुबह 6:15 से 6:30 के दरमियान में जो एनकाउंटर किया गया है, क्या यह सही है? महिला पर बलात्कार करने वाले और बलात्कार करने के बाद महिला की हत्या करने वाले बलात्कार के अपराधी का क्या इसी तरह से पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया जाना चाहिए? और ऐसे बलात्कार के आरोपी को क्या पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मार डालना चाहिए? क्या यह सही है? क्या भारत देश से बलात्कार के अपराध को ख़त्म करने के लिए और भारत देश से बलात्कारियों को ख़त्म करने के लिए पुलिस एनकाउंटर में बलात्कारियों का खात्मा करना, क्या यह एक सही तरीका है और क्या यह एक सही विकल्प है? इन 3 सवालों के जवाब हम लोग आज तलाश करेंगे। भारत का संविधान इस पे क्या कहता है? न्याय व्यवस्था की भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए? भारतीय संविधान ने पुलिस को क्या अधिकार दिए हैं? इन सब के बारे में आज हम विस्तृत तरीके से आज के सच लेकिन कड़ी बात में चर्चा करेंगे। हम हमेशा अपनी बात बेबाकी से कहते हैं। किसी व्यक्ति को, किसी राजनीतिक दल को खुश करने के लिए, किसी विशेष जाति समूह को, किसी विशेष धर्म समूह को खुश करने के लिए हम अपना बयान नहीं देते। किसी व्यक्ति से पैसे लेकर किसी के समर्थन में या किसी के विरोध में हम अपना बयान जारी नहीं करते। हम सच्चाई को बयान करते हैं और सच्चाई को बयान करते समय हम अंजाम की परवाह नहीं करते। हम हमेशा सच्चाई को कहते हैं। सच्चाई को कहने के बाद यदि बहुत बड़े पैमाने पे लोग नाराज होते हैं तो हम इसकी परवाह नहीं करते। यदि कोई भीड़ गलत बात कर रही है, गलत कृति कर रही है, तो गलत काम करने वाली और गलत कृति करने वाली भीड़ का हम समर्थन कभी नहीं करते। हम कानून के जानकार हैं, हम अधिवक्ता हैं, हम संविधान के अभ्यासक हैं, हम भारतीय संविधान में यकीन और विश्वास करते हैं, हम प्रजातंत्र में
विश्वास करते हैं और हम भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास करते हैं। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि यदि सबसे घिनौना कोई अगर अपराध है तो वह अपराध है बलात्कार, क्योंकि जिस महिला के साथ, जिस लड़की के साथ, जिस बच्ची के साथ यह घिनौना काम किया जाता है, बलात्कार होता है, यदि वो जिंदा रहती है तो सारी उम्र भर जिंदा लाश की तरह जिंदगी बिताती है और उसके परिवार के तमाम लोगों को जनता से अवहेलना झेलनी पड़ती है। लेकिन बलात्कार के प्रति अपनी अपनी संवेदना, अपनी अपनी भूमिका बदल जाती है, ये आपको हम एक उदाहरण से यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे। जब बलात्कार करने वाला व्यक्ति अपना खुद का पति, बेटा, भाई या पिता होता है, तब यह महिला कहती है, हमारे पति को, हमारे बेटे को, हमारे भाई को, हमारे पिता को बलात्कार के झूठे फौजदारी मामले में फंसाया है, हमारा पति, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा पिता बेकसूर है, ऐसी यह महिला कहती है। लेकिन जब बलात्कार अपने माँ पे, अपने बेटी पे, अपने बहन पे, अपने पत्नी पे, अपने बहू पे होता है, तब यह महिला कहती है कि बलात्कारी को फांसी देना चाहिए, बलात्कारी को मौत की सजा देनी चाहिए। तो महिलाओं की भी भूमिका दो तरह से होती है, ऐसा हमारा मानना है। 6 दिसंबर 2019 को सुबह तड़के 6:45 से 6:30 के दरमियान हैदराबाद में पुलिस द्वारा 4 आरोपियों का जो एनकाउंटर किया गया, उससे पूरे भारत देश में खुशी व्यक्त की गई। पूरे भारत देश में जो यंग जनरेशन है, नई पीढ़ी के जो युवा और युवतियां हैं, वो ढोल और ताशे बजाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे और जश्न मना रहे थे। विशेष करके महाविद्यालय और विद्यालयों में पढ़ने वाली जो छात्रा थी, वो इस पुलिस एनकाउंटर से बड़ी खुश नज़र आ रही थी और तमाम महाविद्यालय की छात्रा और विद्यालयों की छात्रा ने इस पुलिस एनकाउंटर का समर्थन किया है। भारत देश के जो अनेक दलों के सांसद है, प्रमुख नेता है, इन्होंने भी इस एनकाउंटर का समर्थन किया है। भारत देश में जितने भी टीवी चैनल है, टीवी चैनल में भी जो चर्चा हमने देखी है, उसमें भी ज़्यादातर जो सहभाग लेने वाले वक्ता है, उन्होंने भी इस पुलिस एनकाउंटर का समर्थन किया है। भूतपूर्व बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े पुलिस आईजी और डीआईजी, इन्होंने भी इस पुलिस एनकाउंटर का समर्थन खुले तौर से किया है। और समाचार पत्रों के जो प्रतिनिधि है, पत्रकार है, और कोई भी पत्रकार ने इस पुलिस एनकाउंटर के खिलाफ में या इसकी दूसरी बाजू उजागर करने में हिम्मत दिखाई नहीं है, और इसलिए इसकी जो दूसरी बाजू है, उसको हम आज इस हमारे सेगमेंट में सच लेकिन कड़ी बात में हम उजागर करने जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि पूरे भारत देश से बड़े पैमाने पे हैदराबाद के पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर का भारी तरह से और बड़े जश्न के माध्यम से समर्थन किया जा रहा है। लेकिन भारत देश के हर क्षेत्र के
कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने इस एनकाउंटर का समर्थन नहीं किया, तो उनके हम आपको नाम बताना चाहते हैं। भारत के बड़े प्रख्यात विशेष सरकारी वकील, जिनके आर्गुमेंट के वजह से बड़े बड़े देशद्रोहियों को, आतंकियों को मौत की सज़ा मिली है, एडवोकेट विशेष सरकारी वकील एडवोकेट उज्जवल निकम साहब ने पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर का विरोध किया है, सवाल उठाए हैं। शिवसेना नेता नीलमताई गोरे, इन्होंने भी इस पुलिस एनकाउंटर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर पे सवाल उठाए हैं। भाजपा की नेता मनेका गांधी, इन्होंने पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर का विरोध किया है। भारिप के नेता वंचित आघाड़ी के संस्थापक अध्यक्ष अधिवक्ता कानून के जानकार और संविधान के अभ्यासक एडवोकेट बाला साहेब अम्बेडकर, इन्होंने पुलिस द्वारा हैदराबाद में किए गए एनकाउंटर का विरोध किया गया है और इस पूरी पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, ऐसी मांग इन्होंने की है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, इन्होंने भी पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर का विरोध किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा आप पार्टी के प्रमुख नेता, आप पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल, इन्होंने भी पुलिस द्वारा हैदराबाद में किए गए एनकाउंटर का विरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, राम गोपाल यादव, इन्होंने भी इस पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर का विरोध किया है। हम भारत के संविधान को मानते हैं, संविधान पे विश्वास करते हैं, प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था में यकीन करते हैं, और इन बुद्धिजीवियों ने जो इस पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर का विरोध किया है, हम भी एक कानून के जानकार के हैसियत से हैदराबाद में किए गए बलात्कार के 4 आरोपियों का जो एनकाउंटर किया गया है, इसका समर्थन नहीं करते हैं और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हैदराबाद में पुलिस द्वारा जो 4 आरोपियों का एनकाउंटर हाल ही में ही 6 दिसंबर 2019 को किया गया है, उसकी बड़ी तारीफ हो रही है, लेकिन पुलिस को सबके साथ कानून के दायरे में ही व्यवहार करना चाहिए। अगर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर का समर्थन अगर आवाम और जनता कर रही है, तो उनसे हमारे कुछ सवाल है। भूतकाल में झांक कर देखिए, 2006 की घटना है, महाराष्ट्र राज्य के भंडारा जिले में एक खैरलांजी करके एक छोटा कस्बा, एक गांव है, वहां पर सन 2006 में प्रियंका भोतमांगे एक बच्ची पर, नाम के बच्ची पर सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसको, उसके एक छोटे अंधे भाई को और उसकी माँ को बेरहमी से मार दिया गया था। उनकी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन उस समय इन 20 से 25 आरोपियों की पुलिस ने बड़ी हिफाजत की। दूसरे आरोपी आसाराम बापू बलात्कार के आरोपी है अभी, और एक आरोपी है जिन पर आरोप है लॉ कॉलेज के एक छात्रा के साथ जिन्होंने बलात्कार किया, चिन्मयानंद स्वामी, एक राजनीतिक दल के
दबंग नेता कुलदीप सेंगर जो अभी जेल में है, उन्नाव बलात्कार प्रकरण में जो आरोपी है उसके परिवार के दो लोग तो दुर्घटना में मारे जा चुके हैं और उस लड़की को भी जलाकर हाल ही में ही मार डाला गया है। बलात्कार के आरोपी राम रहीम, बलात्कार के आरोपी नारायण स्वामी जो अभी जेल में है और बलात्कार के एक आरोपी स्वामी नित्यानंद जो भारत देश से भाग चुके हैं और विदेश में उन्होंने एक टापू खरीदा है और उन्होंने खुद का एक नया देश बनाया है। तो हम आप देखिए कि ये जो बड़े सब आरोपी हैं इनकी राजनीति में बड़ी पैठ है और इनकी जान की बड़ी हिफाजत हो चुकी है। और हम पूछना चाहेंगे कि क्या इसमें से किसी भी बलात्कार के आरोपी के पुलिस द्वारा एनकाउंटर करने की ज़रूरत किसी भी पुलिस ने क्या की और क्यों, यह सवाल है। और इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि क्या अपराधी का पुलिस एनकाउंटर करना सही है या गलत है, यह आज का सवाल है। लेकिन हमारा मानना है कि सब कुछ कानून के दायरे में ही होना चाहिए है। हैदराबाद में पुलिस द्वारा 4 बलात्कार के आरोपियों का जो एनकाउंटर किया गया, उस एनकाउंटर का जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनसे कुछ सवाल हम ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं। क्या आप भारत में जो अदालतें हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए? क्या भारत देश में अब अदालतों की ज़रूरत नहीं रही है? क्या भारत देश से भारतीय संविधान को हटाने की ज़रूरत है? क्या भारत देश से प्रजातंत्र को ख़त्म करने की ज़रूरत है? और क्या भारत देश से अपराधियों का खात्मा करने के लिए और अपराध को जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या अरब कानून लागू करना क्या ज़रूरी हो गया है? तो चलो आइए आपको बता देते संक्षिप्त में, अरब कानून क्या है और वहाँ भिन्न भिन्न अपराध के लिए वहाँ पर क्या सज़ा दी जाती है। अरब देश में यदि कोई मर्द किसी पराई व्यक्ति के तरफ बुरी नज़र से देखता है तो उस मर्द की दोनों आंखें फोड़ दी जाती है, दोनों आंखें निकाली जाती है। अरब देश में यदि कोई व्यक्ति चोरी का अपराध करता है तो उस चोरी करने वाले शख्स के दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। अरब देश में यदि कोई व्यक्ति किसी औरत पर बलात्कार करता है तो उसका लिंग काट दिया जाता है, उसे नपुंसक बनाया जाता है। अरब देश में यदि कोई शख्स किसी की हत्या कर देता है तो उसे मौत की सज़ा दी जाती है और मौत देने के अरब देश में अलग अलग तरीके हैं। इस तरीकों में से कोई भी एक तरीका अपनाया जाता है। कभी उस हत्यारे को एक बड़े समारोह में लाया जाता है, वहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उस हत्यारे के हाथ पर रस्सी से बांध दिए जाते हैं और सरेआम उसकी गर्दन तेज तलवार से काट दी जाती है। किसी हत्यारे को ऊँटों के पैरों तले या हाथी के पैरों तले कुचलवाकर उसे जान से मार दिया जाता है या
कभी किसी हत्यारे को पिंजरे में जो भालू का झुंड कैद है या जो भूखे कुत्तों का झुंड कैद है उस पिंजरे में डाला जाता है और उस हत्यारे को वो भालू या वो कुत्ते नोच नोच कर खा जाते हैं। तो क्या ऐसा अरब का कानून आप भारत देश में लाना चाहते हो? क्या आप इस देश में प्रजातंत्र नहीं चाहते हो? क्या आप इस देश में न्याय व्यवस्था नहीं चाहते हो? क्या आप इस देश की व्यवस्था संविधान के माध्यम से ना चले ऐसा आप चाहते हो? तो आप हमें ज़रूर बताइए कि क्या भारत देश में ये जो अरब का कानून है, क्या अरब का कानून भारत देश में आज लागू करना हमारे लिए ज़रूरी हुआ है? भारतीय संविधान ने सरकार, प्रशासकीय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था इन सभी की अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्धारित की है और अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम करने की इजाज़त भारतीय संविधान किसी को भी नहीं देता है। सरकार का विधायिका का काम है, जनहित में कानून बनाने का काम सरकार का है और इन कानून के तहत काम करने की जिम्मेदारी प्रशासकीय व्यवस्था की और पुलिस व्यवस्था की है और न्यायालयीन प्रक्रिया निभाने की जिम्मेदारी न्यायालयों की है। अभी आइए हम जानते हैं कि पुलिस का अधिकार क्षेत्र क्या है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 154 के तहत FIR को लिखना और उसमें उस अपराधी के खिलाफ में भिन्न भिन्न धाराएं नमूद करना, उसके बाद CRPC सेक्शन 157 के तहत मामले की जांच करना, सबूतों को जुटाना, उसके बाद अपराधी को पकड़ना और अपराधी के खिलाफ सारे सबूत जुटाकर उसके खिलाफ में एक मजबूत आरोप पत्र यानी चार्जशीट तैयार करना और एक CRPC 158 के तहत उसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट न्यायालय को भेजना और आखिरी में अंतिम जो रिपोर्ट है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कलम 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट बनाकर न्यायालय के सुपुर्द करना, ये काम है पुलिस का। अपराधी को या किसी व्यक्ति को अपराधी है ऐसा मानना या अपराधी करार देना और अपराधी को दंडित करना या सजा देने का अधिकार पुलिस का नहीं है। किसी व्यक्ति को अपराधी करार देने का काम ये न्यायालय का है, अदालतों का है और अपराधी को सजा देने का काम भी अदालतों का है और पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर गैरकानूनी तरीके से कोई भी काम नहीं कर सकती और ये अधिकार उसे भारतीय संविधान ने दिया नहीं है। पुलिस द्वारा अपराधियों का एनकाउंटर करने का तरीका गलत है, फिर भी लोग इसका क्यों समर्थन करते हैं? इसके कुछ कारण हैं। हमारे भारत देश में न्यायालयों की, अदालतों की संख्या काफ़ी सीमित है, जजों की संख्या पर्याप्त नहीं है, महिलाओं के लिए विशेष अदालतें बहुत कम हैं, बलात्कार के कई मामलों में पुलिस द्वारा मजबूत आरोप पत्र
अपराधी के खिलाफ बनाया नहीं जाता। न्यायालयीन प्रक्रिया में बहुत विलंब लगता है, 10 से 12 साल लग जाते हैं और सबूतों के अभाव के कारण अपराधी न्यायालय से छूट जाते हैं। यह प्रमुख कारण है जिसके कारण आवाम में बलात्कारियों के खिलाफ बहुत गुस्सा और बहुत रोष है। ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के माध्यम से हम ब्लू टाइगर के संचालक तथा मुख्य संपादक एडवोकेट सुधीरेश ताइडे यहाँ कुछ सवाल उठाते हैं। पुलिस एनकाउंटर जब किया जाता है तो उसके सुप्रीम कोर्ट ने सन 2014 में गाइडलाइंस दी है और उसमें 16 मुद्दे हैं और 16 मुद्दे में 2-3 मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब कोई व्यक्ति या कुछ लोगों के दल के द्वारा बड़े हिंसक घटना को अंजाम देने की कोशिश होने वाली है, उनके पास बड़े पैमाने पे शस्त्र है और एनकाउंटर किए बिना अगर उस हिंसा की वारदात को रोका नहीं जा सकता, ऐसे स्थिति में वरिष्ठों के आदेश से या सरकार के आदेश द्वारा ही एनकाउंटर की इजाज़त मिल सकती है। और उसमें जो प्रमुख बात है कि उसका वीडियो रिकॉर्ड, पूरे एनकाउंटर प्रोसेस का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में हमेशा ये कहा गया है कि जब कभी कोई अपराधी जिसने कत्ल किया है या बलात्कार किया है या कोई बड़े आपराधिक घटना को अंजाम दिया है और उसने कई जो औजार है, तलवार है, चाकू है, बंदूक है या कोई खून से भरे कपड़े हैं, वो कहीं छिपा के रखे हैं और वो उसकी तलाश करनी है, तो उस आरोपी को हमेशा हथकड़ी लगानी चाहिए और हथकड़ी लगाकर उसकी रस्सी हमेशा एक पुलिस के हाथ में होनी चाहिए। फिर हम सवाल उठाते हैं कि हैदराबाद की पुलिस जब इन 4 आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर गई थी तब उन्होंने इन 4 आरोपियों को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई? अगर हथकड़ी लगाई थी तो क्या हथकड़ी लगाने के बाद में फिर क्या वो इन पर जानलेवा हमला कर सकते हैं? तो हथकड़ी नहीं लगाई थी तो क्यों नहीं लगाई थी? दूसरा सवाल है कि इनके साथ 10 शस्त्रधारी पुलिस थे और ये जो बलात्कार कांड के 4 आरोपी थे ये निहत्ते थे, तो क्या 10 प्रशिक्षित शस्त्रधारी पुलिस पर 4 निहत्ते आरोपी भारी पड़ सकते हैं? तीसरा सवाल, यदि पुलिस को आरोपियों को घटनास्थल में लेकर जाना था तो वह सुबह 10 बजे, 11 बजे, दोपहर में 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे क्यों लेकर नहीं गए? पुलिस ने तड़के सुबह 5:45 बजे 4 आरोपियों को घटनास्थल पर क्यों लेकर गए? उसके आगे का सवाल कि ये जो
एनकाउंटर की प्रक्रिया की गई तो एनकाउंटर पुलिस द्वारा जो एनकाउंटर की प्रोसेस की गई उसका उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किया। और आजकल तो मोबाइल में भी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो जब उन्होंने पुलिस का कहना है कि उन्होंने उन पर फायरिंग की तो उसका वीडियो फुटेज क्या पुलिस के पास में है, क्या उन्होंने फिर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की। उसके आगे का सवाल है, पुलिस ने अपने बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4 आरोपियों ने उन पर लाठियों से और धारदार वस्तुओं से उन पर हमला किया और उन पर फायरिंग की। तो यदि 4 आरोपियों ने उन पर 4 आरोपियों में से 2 आरोपियों ने पुलिस की गन छीनी थी, पिस्टल छीनी थी और उन्होंने फायरिंग की थी, ऐसा पुलिस का कहना है, तो फिर पुलिस जो 10 पुलिस अफसर थे उसमें से एक भी पुलिस अफसर या कर्मचारी गंभीर रूप से घायल क्यों नहीं हुआ और उसमें से एक भी पुलिसकर्मी और एक भी पुलिस अफसर फायरिंग में क्यों नहीं मारा गया। इस महिला ने इस महिला पर बलात्कार और हत्या की घटना रोकने में पुलिस नाकाम रही थी, तो क्या पुलिस ने आरोपियों का एनकाउंटर सिर्फ अपनी नाकामी छिपाने के लिए और हीरोगिरी साबित करने के लिए किया है? क्या इन 4 आरोपियों का एनकाउंटर करने के लिए क्या किसी संगठन के तरफ से पुलिस को मोटी रकम मिली है? क्या हैदराबाद में पुलिस द्वारा किया गया आरोपियों का एनकाउंटर फेक है? क्या पुलिस ने उनको पहले अपने बंदूकों के द्वारा फायरिंग करके मार डाला और मरने के बाद में उनमें से 2 आरोपियों के हाथ में अपनी सर्विस रिवॉल्वर थमा दी? हैदराबाद में जिस लड़की के साथ में बलात्कार हुआ और उसकी बेरहमी से जलाकर हत्या कर दी गई, वो पेशे से डॉक्टर थी, क्या उसके व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी डॉक्टर ने इन 4 आरोपियों को इस महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार करने के लिए और उसकी बेरहमी से हत्या करने के लिए सुपारी दी है क्या? सुपारी देने वाले व्यक्ति का काम हो जाने के बाद यह 4 आरोपी पुलिस लॉकअप में अपना मुंह न खोले और साजिश के मास्टरमाइंड का नाम न बताए, इसलिए क्या मास्टरमाइंड ने पुलिस को इन 4 आरोपियों का एनकाउंटर में खात्मा करने के लिए कोई बड़ी रकम दी है क्या? हैदराबाद में जो बलात्कार कांड में 4 आरोपी थे उनका हैदराबाद में पुलिस द्वारा जो एनकाउंटर किया गया, तो पुलिस ने अपने बचाव में जो एक तर्क दिया है, उन्होंने कहा कि हमारे दस्ते में 10 पुलिस अधिकारी 10 पुलिस अफसर थे और वो तमाम पुलिस अधिकारी शस्त्रधारी थे, उनके पास अपनी गन थी। तो उनको पूछा एनकाउंटर क्यों किया गया, तो वो 4 आरोपी पहले नियत्ते थे लकड़ी से और धारदार
वस्तु से वो प्रहार कर रहे थे और उन्होंने कहा आगे कि उन चार आरोपियों में से दो आरोपियों ने हमारे दो पुलिस अफसरों के गन, बंदूक, के पिस्टल, रिवॉल्वर जो भी है वो उन्होंने छीने और उसमें से उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। यहाँ एक बड़ा हम सवाल उठाते हैं, 10 पुलिस इकट्ठे झुंड में आप अपने बंदूक के साथ में है और क्या 10 पुलिस अधिकारी जिनके पास अपनी बंदूक है, सर्विस रिवॉल्वर है या पिस्टल है, और क्या उसमें जो चार आरोपी है वो उसमें से दो आरोपी क्या वो बंदूक छीनने की कोशिश, गन छीनने की कोशिश कर सकते हैं? यदि दो मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि दो आरोपियों ने दो पुलिस अधिकारियों की गन छीनने की कोशिश की, तो वहाँ पर खड़े, बिल्कुल बाजू में खड़े 8 पुलिस अधिकारी थे, उनके पास में बंदूकें थी, तो उन 8 पुलिस अधिकारियों में से 2-3 अधिकारियों ने उन जो दो आरोपी पुलिस अधिकारियों की, दो पुलिस अधिकारियों की बंदूक छीनने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके पैरों पे गोली, बंदूक से गोली मारकर उनको वहाँ पर जख्मी क्यों नहीं किया? और पुलिस फायरिंग में चार, जब उन्होंने पुलिस फायरिंग की उसमें चारों के चारों आरोपी मर कैसे गए, उसमें से कम एक आरोपी जख्मी क्यों नहीं हुआ और एक आरोपी कम से कम जख्मी अवस्था में क्यों नहीं बचा? तो इसमें से एक शक पैदा होता है कि यह फेक एनकाउंटर जो है, अगर उसमें से कोई भी, वो चार आरोपी में से एक भी आरोपी जख्मी होता और बच जाता तो इस एनकाउंटर के बारे में वो एक बड़ा सबूत हो सकता था। और इसलिए ये जो एनकाउंटर है, ये एनकाउंटर फेक होने की ज़्यादा संभावना हमें लग रही है। यदि हम हैदराबाद में पुलिस द्वारा चार आरोपियों का किया गया एनकाउंटर को देखते हैं तो इस एनकाउंटर के बारे में शक पैदा होता है और प्राथमिक दृष्टि से लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है इसका अमल किया गया नहीं है और यह फेक एनकाउंटर होने की ज़्यादा संभावना हमें लगती है। पुलिस द्वारा समय समय पर अपराधियों का किए जाने वाले एनकाउंटर को सही ठहराया गया तो भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं इसकी जानकारी आपको दे सकते हैं। कई अपराधियों का पुलिस लॉकअप में ही PCR के दौरान पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया जा सकता है। पुलिस अपने बचाव में कह सकती है अपराधी पेशाब करने के लिए जा रहा था और उस समय उसको हमने लॉकअप में से बाहर निकाला, तभी उसने हमारी सर्विस रिवॉल्वर छीनी और हमें जान से मारने की कोशिश की, इसलिए हमने उसको एनकाउंटर करके मार डाला। कभी किसी कत्ल के जुर्म के अपराधी, बलात्कार के जुर्म के अपराधी कोई ग्रामीण इलाके से या पुलिस स्टेशन से अदालत तक लाते समय पुलिस उसको अदालत समय, सेंट्रल जेल से अदालत तक ले जाते समय या पुलिस थाने से अदालत तक लेते जाते समय उसे रास्ते में ही एनकाउंटर करके मार सकती है, कह सकती है कि उसने हमारी बंदूक छीनी और हम पे जानलेवा हमला करने की कोशिश की, इसलिए हमने उसका
एनकाउंटर कर दिया। हम देखते हैं भारत एक विशाल देश है और इसमें बड़े बड़े शहर है, बड़े बड़े महानगर है, और हर महानगर में, हर शहर में दो बड़े बड़े अपराधी गैंग होते हैं, और हर एक गैंग उस शहर पे, उस महानगर पे अपना वर्चस्व और अपनी दहशत कायम बनाने के लिए कोशिश करती रहती है। ऐसे समय में एक गैंग पुलिस अधिकारी को मोटी रकम देकर दूसरे गैंग के जो अपराधी है उनको एनकाउंटर करने के लिए कह सकती है, और एक गैंग से बड़ी मोटी मोटी रकम लेकर दूसरे अपराधी गैंग के उनके अपराधियों का एनकाउंटर करवाया जा सकता है। इसके संबंध में एक उदाहरण भी आपको देना चाहेंगे। उस पुलिस अधिकारी का हम यहाँ नाम जाहिर नहीं करना चाहते, उसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहकर लोग पहचानते थे, और उस व्यक्ति ने कम से कम एक दूसरे गैंग के कम से कम 50 बड़े कुख्यात अपराधियों को एनकाउंटर करके मार डाला, और उसकी बड़ी समाचार पत्रों में तारीफ हो रही थी, उसके ऊपर बड़े लेख लिखे जा रहे थे। बाद में जब तहकीकात हुई तो उस व्यक्ति ने एक उसके प्रतिस्पर्धी अपराधी गैंग से दूसरे अपराधी गैंग के हर मेंबर को एनकाउंटर में मारने के लिए 50 लाख रुपए से 1 करोड़ की रकम ली थी, और उसके आधार पे बड़ी मोटी रकम लेकर उसने दूसरे गैंग के 50 अपराधियों को एनकाउंटर में मार डाला था। जब किसी लड़की पर, किसी बच्ची पर, किसी महिला पर सामूहिक बलात्कार हो जाता है, आवाम में बड़ा गुस्सा उमड़ पड़ता है, और पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाती है जनता, और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, आरोपी को फांसी पर चढ़ाया जाए, ऐसा आवाम कहती है। तो यदि एनकाउंटर को सही ठहराया तो ऐसे समय में जब ये बलात्कार की घटना मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैल जाती है तो पुलिस पर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का मानसिक दबाव हमेशा बढ़ता है, मीडिया का दबाव बढ़ता है, और आवाम का दबाव बढ़ता है। ऐसे समय में पुलिस आनन फानन में जो अपराधी प्रवृत्ति के 4 या 5 लोग हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन जिन्होंने यह बलात्कार नहीं किया उनको पकड़कर ला सकती है, और मीडिया के सामने वो कह सकती है कि हमने बलात्कार करने वाले आरोपियों को पकड़ा, और बाद में वो सेशन ट्रायल में आरोप को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो उन आरोपियों को पुलिस एनकाउंटर में मार सकती है। तो इसलिए पुलिस द्वारा किया जा रहा एनकाउंटर ये कोई कानूनी विकल्प नहीं है, और हम इसका समर्थन बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते। भारतीय संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं। भारत देश में ह्यूमन राइट्स कमीशन है, और ह्यूमन राइट्स कमीशन की जिम्मेदारी है कि किसी भी जगह पर मानवीय मूल्यों का उल्लंघन ना हो, इसे देखने की जिम्मेदारी ह्यूमन राइट्स कमीशन की है, और इसलिए जो भी कुछ करना है वो कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में ही करना होगा। और ये हमारा जो देश है, हमारा देश ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये प्रजातांत्रिक देश है, और यहाँ पर सब कुछ प्रजातंत्र के माध्यम से ही होना चाहिए। और उस लड़की के साथ में जो घटना घटी है वो निंदनीय है, उनको, उन चारों आरोपियों को पकड़ने के बाद उनका डीएनए टेस्ट,
उनका नार्को टेस्ट करना चाहिए था, उनका मेडिकल टेस्ट करना चाहिए था, सारी जांच करनी चाहिए थी, सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखना चाहिए था, उनके मोबाइल का लोकेशन देखना चाहिए था, उनके ब्लड का सैंपल लेना चाहिए था, सारे सबूत इकट्ठे करने चाहिए थे, उसके लिए विशेष अदालत का गठन करना चाहिए था और स्पीड ट्रैक कोर्ट में 3 महीने के भीतर इस प्रकरण का अंतिम निर्णय लगाना चाहिए था। लेकिन कानून की कोई भी प्रक्रिया का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसलिए ये जो घटना है, इस घटना का हम समर्थन नहीं करते। हम यहाँ कहना चाहते हैं कि यह भारत देश पुलिस अफसर के रिवाल्वर से नहीं, पुलिस के बंदूक से नहीं, और यह देश पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर से नहीं, तो यह भारत देश सिर्फ भारत देश के आदर्श और कारगर संविधान के मुताबिक ही चलना चाहिए। हम अपनी लिखी हुई 4 पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत करते हैं। हमें भी इस देश में सम्मान से जीने का हक मिलना चाहिए। हमें भी इस देश में सम्मान से जीने का हक मिलना चाहिए। हमारा भी सूखा बगीचा फूलों से खिलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए ये देश किसी के रिमोट कंट्रोल से। ये देश सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से ही चलना चाहिए। ये देश सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से ही चलना चाहिए। ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के माध्यम से हम यहाँ एक निवेदन करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि जो हैदराबाद में पुलिस द्वारा 4 आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है, इसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिल्कुल होना चाहिए और जो दस्ता इन 4 आरोपियों के साथ में गया था, उनके पास में जो गन थी, बंदूकें थी, पिस्टल थी, रिवॉल्वर थी, वो पूरे इन्वेस्टिगेशन के लिए कब्जे में लेनी चाहिए। इनका फॉरेंसिक इनकी जांच होनी चाहिए और बैलिस्टिक जांच होनी चाहिए और जो विक्टिम जो एनकाउंटर में मारे गए, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या जो 2 लोग मरे पड़े थे जिनके हाथ में पिस्टल या बंदूकें रखी गई थी, क्या उन्होंने जिंदा रहते समय पुलिस रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है? और चौकसी में प्राइम फैसी यदि मालूम होता है कि इसमें शक की गुंजाइश है, तो पूरे पुलिस अधिकारियों को और पूरे दस्ते को पुलिस डिपार्टमेंट से तुरंत नौकरी से सस्पेंड कर देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, जो पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में कोई मंत्री और कोई सरकार उनको तुरंत रिवार्ड देती है, जब तक के उनके द्वारा किए गए एनकाउंटर को न्यायालय द्वारा सही नहीं ठहराया जाता, तब तक के उन्हें सरकार द्वारा, किसी मंत्री द्वारा किसी भी प्रकार का रिवार्ड ना दिया जाए और एक इम्पार्शियल तरीके से एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में 5 जजेस का गठन हो और सारी बारीकी से पूरी तहकीकात करे। इतनी सवेरे क्यों लेकर गए, वो निहत्थे थे, उनके पास लाठी कहाँ से आ गई, उनके पास लोहे के रॉड कहाँ पर आ गए, क्या मारने के बाद उनके हाथ में बंदूकें दी गई, क्या उनको मारने के लिए किसी ने सुपारी दी थी, इन सारी बातों की जांच हो। यदि इन्वेस्टिगेशन टीम को और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में ये साबित होता है कि पुलिस द्वारा की गई एनकाउंटर पूरी तरह से फेक है और उन्होंने आवाम को खुश करने के लिए, आवाम का गुस्सा शांत करने के लिए और अपने आप को सफल साबित करने के लिए ये
फेक एनकाउंटर किया है तो न्यायालय द्वारा एनकाउंटर करने वाले इन तमाम पुलिस अधिकारियों को कड़ी सी कड़ी सजा प्राप्त हो और उन्हें सजा मिले, ऐसा हमारा स्पष्ट मत है। और भारत देश ये हमेशा संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से, न्याय व्यवस्था के माध्यम से ही चलना चाहिए। और यदि पुलिस एनकाउंटर को सही ठहराया गया तो फिर यहाँ पर अदालतों की ज़रूरत नहीं होगी, जजों की ज़रूरत नहीं होगी, सरकारी वकीलों की ज़रूरत नहीं होगी, डिफेंस लॉयर की ज़रूरत नहीं होगी, और उसके बाद में लॉ के किताबों की ज़रूरत नहीं होगी और लॉ के कॉलेज की भी ज़रूरत नहीं होगी। और इसलिए हैदराबाद में जो पुलिस द्वारा 4 आरोपियों का जो एनकाउंटर किया गया है, इस एनकाउंटर का हम समर्थन नहीं करते हैं और इस पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर का हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसी हम सरकार से मांग करते हैं। और यहाँ पर हम विराम देते हैं, अगले सेगमेंट में हम आपसे बात करेंगे बलात्कार क्यों होते हैं और बलात्कार रोकने के लिए हम क्या उपाय योजना कर सकते हैं, आने वाले अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हम हैं एडवोकेट सुधीरेश तायडे। धन्यवाद। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। धन्यवाद।